उसमें ना होने देंगे। वो कल भी पेश हुए कि आप कुछ और लोग नए लोग पेश हुए हैं, उनसे यही बात मैंने आश्वस्त किया है कि किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं करेंगे, जो जस्टिफाई होगा यानी न्याय करेंगे। मैं ये कह सकता हूँ और ये 100% कह सकता हूँ कि न्याय होगा। सर आपके नाम से सर एक आईडी बनाई फेसबुक पर, क्या मामला है? हाँ, मेरे को भी अभी किसी मेरे मित्र ने सोनीपत से फ़ोन करके बताया कि आपके नाम से फेक आईडी पे कुछ पैसे मांग रहे, तो उसमें हमने कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें जो उचित कार्रवाई बनती है। आपको पता ही आजकल साइबर क्राइम डे बाई डे बढ़ रहा है, उसमें साइबर की टीमें जो जैसा कि सीनियर अफसरों का भी आदेश है कि उनमें बढ़िया जो अच्छा काम जिनको आता है उनको इस काम में लगाइए। वो टीमें हर ज़िले में एक एक साइबर सेल बना हुआ है, वो अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं। इसमें से अमाउंट करने कितनी अमाउंट मांगे थे उनको? जिस साथी ने सोनीपत से फ़ोन किया है उन्होंने मुझे बताया कि मेरे से 20,000 रुपये मांगे और कल वापस करने का वायदा किया है। तो सर इस तरह के जो केसेस बढ़ रहे हैं, क्या आपकी प्रायोरिटी रहेगी और इन तरह के मामलों में पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? देखो, एक तो मैं ये चाहूँगा कि आप मीडिया के माध्यम से इसको ज़ोर शोर से उठाएं इस मुद्दे को, ताकि लोग आपके चैनल को देख करके, आपके प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को देख करके लोग थोड़ा सा इसमें अवेयर हों और तुरंत इसमें अपनी कार्रवाई करें। जो पुलिस के लेवल की कार्रवाई है उसमें हम अवश्य करेंगे, इसमें किसी को संकोच करने की आवश्यकता नहीं। एक सर कोरोना को लेकर मास्क जरूरी किया गया था, उसके बाद फाइन का प्रावधान भी किया था, तो सर जी जिले की बात करें तो मास्क के कितने चालान पुलिस ने किए हैं, कितनी अमाउंट इकट्ठी की है और आने वाले समय में किस तरह की गाइडलाइंस फॉलो करवाई जाएंगे? देखिए, इसमें 15,600 समथिंग चालान किए हैं और करीब 78 लाख और 25,000 रुपये का जुर्माना अभी तक किया जा चुका है और कोशिश रहेगी क्या लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी अवेयर करें, हम भी अवेयर करें, ताकि इस महामारी से आम जन को बचाया जा सके। सर, नशा तस्करी की घटनाएं पिछले दिनों में बहुत सामने आई है, तो आपने अभी ज्वाइन करा, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इसको लेकर? देखिए, जिस परिवार में नशा हो जाता है या नशे की गर्दश में जिस परिवार का सदस्य चला जाता है उसको बहुत पीड़ा है, और ये किसी एक की पीड़ा नहीं है, ये पूरे समाज को खोखला करने की पीड़ा है। इस पीड़ा को मैं समझता हूँ कि जब बचपन में हम देखते थे तो किसी परिवार में अगर बच्चा नशेड़ी हो जाता है तो उसका परिवार किस तरह से बर्बाद हो जाता है, अगर परिवार का मुखिया नशेड़ी हो जाता है तो बच्चों की पढ़ाई तक भी वंचित रह जाते हैं। वो उसमें हम बढ़ चढ़ करके काम करेंगे, पहले भी अच्छा काम कर रही है पुलिस और आगे भी इसमें मेरा ये प्रयास होगा कि और बेहतर तरीके से इसमें आगे बढ़ा जाए और इस समाज के सहयोग की मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ, आप लोगों के भी सहयोग की उम्मीद करता हूँ कि समाज इसमें अपनी थोड़ी सी भागीदारी बढ़ाएगा, तो मैं समझता हूँ कि हम सब उसमें कामयाब हो सकते हैं। और नशा कोई एक दिन नहीं पनपा है, ये लगातार पनपता जा रहा है या सदियों से चला रहा है, लेकिन अब इसकी थोड़ी सी प्रकोप ज़्यादा हुआ है तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि इस पर अंकुश लगाएं। पुलिस के पार्ट पे मैं ये कह सकता हूँ इस समय कि उस पर हम 100% अपना फोकस रखेंगे और उसको रोकने का प्रयास करेंगे, अभी मैं यही कह सकता हूँ। सर, एक सेडा माजरा में थाना में एक मर्डर हुआ सर, क्या कारण रहे हैं सर, उसमें पुलिस क्या कार्रवाई? उसमें उन्होंने FIR लॉज कराई है, उसकी मदर ने, उसकी फादर के नाम से FIR लॉज है, तो उसमें उन्होंने जो नाम दिए उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी इसको ट्रेस आउट कर लेंगे। अभी तक जो क्रिमिनल इंक्वायरी में पता चला है वो यही पता चला है कि गांव का एक लड़का है जिसके उसके साथ
संबंध हैं, इलीगल संबंध कह लीजिए, और उसको लेकर के उसको रास्ते से हटाने की जो आम बात होती है वो है। गोली मार के हटा की गई? हाँ, उसकी 3 गोली इसके लगी हुई है। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था? अभी तो 2 लोगों के खिलाफ है, एक उसकी वाइफ और एक व्यक्ति और है। धन्यवाद सर। महिला विरुद्ध अपराध, उस पर भी अंकुश लगे, और जो बैड एलिमेंट उस पर भी अंकुश लगे। ये तीनों पे मेरा विशेष फोकस रहेगा, ये मैं कह सकता हूँ। अभी मैंने ज्वाइन किया है और ये मेरे पहले से ध्यान में है कि 2-3 चीज़ें होती हैं क्राइम के लिए, जो आम जन में भी एक मैसेज पुलिस के प्रति ठीक जाता है। सबसे पहला कि ट्रैफिक ठीक से रेगुलेट हो, किसी महिला विरुद्ध कोई अपराध होता है तो उसको तुरंत कार्रवाई हो, सीनियर सिटीजन के साथ कोई बैड एलिमेंट या कोई और उसको परेशान करता हो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, इस तरह का फोकस मेरा रहेगा। धन्यवाद सर।